वो तो एक चुल्लू जल में प्रसन्न होने वाले देवाधिदेव महादेव, उनकी पूजा में तो ज्यादा पैसा वाली सामग्री है नहीं, धतूर का फल, बिल्व का पत्र, अकोड़े के फूल और गंगा जल एक अंजलि चढ़ा दो। जो कोई स्वीकार नहीं करता वो महादेव स्वीकार करके वो पद दे देते हैं जो दुर्लभ है। बड़े कृपालु हैं, आशुतोष हैं और हरदानी हैं, करुणा समुद्र हैं। उनकी आराधना से ज्ञान भक्ति वैराग्य जो चाहे, ईश्वर जो चाहे सब प्रदान कर देते हैं। और परम महान वैष्णवाचार्य भी हैं, समस्त वैष्णवों के गुरु हैं, ज्ञानियों के भी गुरु हैं और भक्तों के भी गुरु हैं भगवान शंकर, परम वैष्णवाचार्य। कोई भगवान शंकर की निंदा करे सोचे हरि से प्रेम कर लेंगे, कभी नहीं। और कोई हरि की निंदा करे सोचे भगवान शंकर से प्रेम कर लेंगे, जल अर्पित कर रहे हैं, नहीं मंत्र कुछ आता तो गुरु मंत्र के द्वारा बिल्व पत्र अर्पित, एक एक मंत्र अंदर ही अंदर जपते हुए विराजमान। फिर वो तो एक चुल्लू जल में प्रसन्न होने वाले देवाधिदेव महादेव, उनकी पूजा में तो ज्यादा पैसा वाली सामग्री है नहीं, धतूर का फल, बिल्व का पत्र, अकोड़े के फूल और गंगा जल एक अंजलि चढ़ा दो। जो कोई स्वीकार नहीं करता वो महादेव स्वीकार करके वो पद दे देते हैं जो दुर्लभ है। बड़े कृपालु हैं, आशुतोष हैं और हरदानी हैं, करुणा समुद्र हैं। उनकी आराधना से ज्ञान भक्ति वैराग्य जो चाहे, ईश्वर जो चाहे सब प्रदान कर देते हैं। और परम महान वैष्णवाचार्य भी हैं, समस्त वैष्णवों के गुरु हैं, ज्ञानियों के भी गुरु हैं और भक्तों के भी गुरु हैं भगवान शंकर, परम वैष्णवाचार्य। कोई भगवान शंकर की निंदा करे सोचे हरि से प्रेम कर लेंगे, कभी नहीं। और कोई हरि की निंदा करे सोचे भगवान शंकर से प्रेम कर लेंगे, कभी नहीं। परस्पर बड़ा अनुराग है हरि हर का, जो हरि का भक्त होगा वो हर का भक्त होगा, जो हर का भक्त होगा वो हरि का आदर करेगा। क्योंकि इष्ट प्रियता, इष्ट को क्या प्रिय है, देखो गंगा जल माथे पे धारण किए हरि का चरणामृत है, तो हरि को देखो रामेश्वर की स्थापना करके वो आराधना कर रहे हैं परस्पर। तो ऐसे भक्त उपासक को चाहिए वैष्णवों को नमन करे, क्योंकि हरि भक्त है और इनके नमन करने से हर प्रसन्न होंगे। महादेव जी को, महादेव जी के जनों को नमस्कार करे, इनके प्रसन्न होने से हमारे हरि प्रसन्न हो जाएंगे। भगवान श्री राम अयोध्या वासियों को बैठाल कर एक बार कहा कि ये मैं राजा के रूप में आदेश नहीं कर रहा हूँ, बड़ी प्रियता से कह रहा हूँ, सबसे हाथ जोड़ के कह रहा हूँ, और एक गुपुत मत सब ही कहो कर जोरी, शंकर भजन बिना नर भगति न पावे मोरी। अयोध्यावासियों से कहा, मैं हाथ जोड़कर सबसे कहता हूँ, राजा रूप में हाथ जोड़ने की तो जरूरत है नहीं, ये मैं आदेश नहीं कर रहा हूँ, ये विनय कर रहा हूँ। यदि कोई मेरी प्रीति चाहता है, भक्ति चाहता है, तो भगवान शंकर की कृपा आवश्यक है। बिना भगवान शंकर की कृपा के कोई मेरी विशुद्ध भक्ति, और एक गुप्त मत, गुप्त मत सबई कहो कर जोरी, शंकर भजन बिना नर भगत न पावे। और शिव द्रोही मम दास कहावा, सो नर मोहि सपन्यो नहीं पावा। ये तो भगवान श्री हरि की करुणा कृपा देखिए, उधर महादेव जी की, कागभूषण जी अनन्य थे भगवान शंकर के, पर वो हरि की अवहेलना कर देते थे, हरि की निंदा, हरि भक्तों से द्वेष कर लेते। तो भगवान शंकर ने ही साफ दे दिया, मंदिर में बैठे थे, गुरुदेव पधारे, क्योंकि गुरुदेव सदैव उपदेश हरि हर का समान रूप से करते थे, ये उनको जमता नहीं, वो गुरुदेव से द्रोह करने लगे। गुरुदेव आए तो उठकर प्रणाम नहीं किया, भगवान शंकर को असहनीय हो गया, तू हमारे धर्म की मर्यादा का नाश करता है, मेरे मंत्र दाता तेरे गुरुदेव उन्हीं का अपमान कर रहा है, जा सहस्त्र बार अजगर की योनि को प्राप्त हो, पापी तू अजगर जैसा बैठा रहा जा। तो गुरुदेव बड़े कृपालु, उन्होंने फिर नमामि समीसान निर्वाण रूपम, ये स्तुति की, और कहा प्रभु अज्ञानी, देव कैसे गुरुदेव माता की तरह दो, ये अज्ञानी इस पर दया कर दो। तो
होगा। साप तो मिथ्या नहीं होगा, पर जन्मते मरते जो दुसह दुख होता है वो नहीं व्यापेगा और जल्दी जल्दी इसका शरीर छूट जाएगा, पर ऐसा होगा अजगर योनि को प्राप्त होगा। ये अगर कोई भगवान हरि की अवहेलना करके महादेव का आनंद बनना चाहता है तो कदापि नहीं, और कोई महादेव की अवहेलना करके हरि प्रेम चाहता है तो कदापि नहीं। हरि हर एक ही है और एक दूसरे की आराधना से ये दिखाते हैं कि कैसे भक्ति की जाती है। इसलिए उठते बैठते चलते फिरते आराध्य देव का जो स्मरण है ये सबसे बड़ी साधना है। यदि इष्ट भी महादेव हो, मंत्र भी महादेव जी के हों, तो नाम क्या जपें फिर? सांब सदाशिव, सांब सदाशिव, सांब सदाशिव, राम सांब अम्बा के सहित भगवान शिव, सांब सदाशिव, सांब सदाशिव, हाँ सांब सदा, जैसे सियाराम सियाराम, राधेश्याम राधेश्याम, तो सांब सदाशिव, सांब सदाशिव, सांब सदाशिव, इसमें उमा जी और भगवान महादेव जी दोनों हैं। सांब सदाशिव अम्मा के सहित पिताजी, सांब सदाशिव, सांब सदाशिव, वो हमारे बाप है, वो हमारी अम्मा है, हले जगत माता और जगत पिता वही है, बहुत करुणामय है, पर जो दुष्टता करे तो फिर वो उतर, फिर प्रलयंकर रुद्र भी वही है ले उनके सामने फिर कोई दूर, अद्वितीय है, अद्वितीय शिव, अद्वितीय चराचर जगत के स्वामी, करुणा के समुद्र है, पर वो दंडता करे और हेलना करे तो फिर रुद्र है, फिर बड़े भयंकर भी है, इनको इनकी सेवा पूरी सृष्टि की जो है वो लय सेवा है जैसे ब्रह्मा रूप में आप सृजन करते हैं, हरि रूप में पालन करते हैं, तो रुद्र रूप में आप उसका संहार करते हैं, आप ही लय करते हैं, लय के अधिष्ठात्र हैं, सृष्टि के सृजन के अधिष्ठात्र ब्रह्मा जी हैं, पालन के भगवान विष्णु हरि हैं और लय के महादेव जी, और बहुत करुणामय है, बहुत करुणामय हो। श्लोक है कर्पूर गौरम करुणा अवतारम, साक्षात मानो करुणा ही अवतार धारण करके शिव रूप में गया। महर्षि आप 200 वर्ष बनारस में रहे और कट्टर उपासक रहे हैं, मतलब भोले बाबा और माँ पार्वती जी के, महर्षि आपके कोई अनुभव जो हमारे साथ जैसे साधकों को? हम बस इतना ही समझते हैं कि अगर अनन्य हो जाए तो आगे का मार्ग अंदर महादेव जी खोल लेते हैं, वो ज्ञान समुद्र है, बस साधक को चाहिए कि इष्ट के अनन्य हो जाए। हम कभी नहीं जानते थे वृंदावन कभी ये सब ऐसे स्फुरित हुआ, कैसा होगा वृंदावन, काशी में तुलसी घाट में बैठे हैं, बहुत बड़ा पीपल का वृक्ष है उसी, अब ध्यान हमारा अलग है, एकदम स्फुरित होता है, कैसा होगा वृंदावन, पहला स्फुरण कैसे होगा, फिर मन में रास की जागृति कराएगी, फिर वृंदावन भेजे गए, अपने को जब हवाले कर दिया महादेव जी के, अब वो कहाँ ट्रांसफर करते हैं, कैसे पहुंचाते हैं, ये हमने देखा है किया नहीं है, हम तो उनकी आश्रय वृत्ति में थे, उन्होंने ही किया। उपासक को चाहिए आराध्य देव का अनन्य होकर उनकी उपासना में अपने जीवन को बेच दे, बिका हुआ जीवन, फिर जो रंग आता है वो बहुत जोर का रंग होता है, अपना महत्व अपना अस्तित्व महादेव जी के हाथ में दे दे, फिर वो चलाते हैं वो संभालते हैं, एक भी वृत्ति अन्य न हो और अनन्य भाव से आराध्य देव का चिंतन होने लगे तो चमत्कार प्रकट हो जाएगा, जीवन दिव्य हो जाएगा, मन लगा रहे, अभी तो वृत्ति गई हट गई फिर आई फिर हट गई ऐसे हो रहा है, वृत्ति ऐसी हो जाए जैसे दीवाल घड़ी से सेल हटा ले तो सेकेंड मिनट की सब सुई ठप हो गई ना, ऐसे ठप हो जाए मन वृत्तियां भगवदाकार, फिर कुछ शेष नहीं रह जाता, सब जागृत हो जाता है, तो अपने आराध्य देव के अनन्य हो के नाम जप करे, उनके अधीन रहे, वो सब ठीक कर दे। तो महादेव का मंत्र जपते जपते आप राधा रानी तक का मंत्र कैसे करने लगे फिर आप? वही वही हमको भेजे, पता है ना, जैसे लड़की को पढ़ा लिखा के सुंदर सजा के वर के हाथ में दे दिया जाता है, वर अपने देश ले आता है, वैसे अम्मा बप्पा हमारे महादेव वहाँ सजाया श्रृंगार किया और राधा वर के हाथ दे दिया, अब ये है
सब कुछ सजाया महादेव जी ने, अब स्वीकार किया राधा वल्लभ लाल ने, राधा वर्ण अब उनकी हो गई। मैं चाहती भी हूँ राधा राधा जपना, लेकिन फिर महादेव तक पहुँच जाते। तो अपनी चाह से थोड़ी होता अब पाणी ग्रहण नहीं हुआ अभी, इसीलिए है जिस दिन से महादेव जी ने पाणी ग्रहण को हाथ पे हाथ धर के दे दिया उन्होंने, उस दिन से एक चुल्लू जल ऐसे कर नहीं। क्यों? क्योंकि उन्हीं का आदेश है, जहां लगा दिया आनंद ने। अब अतरे दिन अटैची लेके अपने पति को छोड़कर अगर माइके में लड़की खड़ी रहे तो क्या कहेगा पिता, यार काय को नाक कटवा रहे, जब यही एक उदाहरण तो पति के साथ आओ, अगर आला है उसकी अनुमति से आओ, तेरे दिन थोड़ी भागना। अब हमको महादेव जी ने दे दिया राधावर को, रसना कटो जो अन रटो, निरख अन फुटो नयन, श्रवण फुटो जो अन सुनो बिन राधा जस में। अब तो राधा 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 जानते हो, हफ्ता नहीं बीतता महादेव जी का प्रसाद आता रहता है, रुद्राक्ष बिल्व पत्र चरणामृत, काशी से आता है। तो आप हमारे कमरे में देखेंगे तो आधा कमरा रुद्राक्ष से भरा हुआ है, ऐसे बड़े बड़े बोलते उनमें बड़े इतने इतने माला हो गए रुद्राक्ष, क्योंकि आते ही रहते काशी से। तो बेटी को जैसे भेंट पहुंचती रहती है माइके से, वैसे आते रहते हैं उनका प्यार आता रहता है। तो ये अंदर की बात है, आपने ऐसे पूछा तो इसलिए बता दिया। हाँ, अब यहाँ राधावर का अधिकार है, सजाया उन्होंने, संवारा उन्होंने, बड़ा उन्होंने किया, पर पाणि ग्रहण कर दे दिया। अब हमारा कर्तव्य होता है कि जहाँ हमारे स्वामी ने समर्पित किया मन वचन कर्म से, तो इससे वो भी प्रसन्न, और ये तो हमारे है वो ही गए, पर ये बात है हमारा परिचय नहीं है यहाँ, यहाँ उन्होंने अर्पित किया है और उन्हीं के नाते से वो हमें प्यार कर रहे हैं, वो हमें स्वीकार कर रहे हैं। हम इनके योग्य थोड़ी जिनके पास हैं, नहीं, ये महादेव जी के नाते से हमें स्वीकार कर रहे हैं। बड़ी जगह से समर्पण हुआ ना, इसलिए हमारी सामर्थ्य कहाँ कि हम किशोरी जी से प्यार कर सकते, लाल जी से प्यार कर सकते, ये तो महादेव जी के संबंध से वो रीझ गए, संबंध से रीझते और स्वीकार कर। पारस मणि छू गई तो जंगहा लोहा स्वर्ण बन गया, स्वर्ण बन के मुकुट बन के चमकने लगा, और ये खेल है। तो ऐसे महादेव परम गुरु उनको समर्पित हो जाए।